वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एम्प्रियो वर्सेस धीरजिया केस। इसकी साइटेशन है AIR 1940 अलाहाबाद कोर्ट 486। सबसे पहले फैक्ट्स देखते हैं। धीरजिया इज अ यंग वुमेन मैरिड टू अ मैन नेम्ड जग्गा। दे हैड अ 6 month ओल्ड बेबी। तो यहाँ पर धीरजिया एक 20-year-old वुमेन थी, मैरिड वुमेन, जिसका एक 6 month ओल्ड बेबी था। और इसकी हस्बैंड से इसकी अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती थी और इसका हस्बैंड ऐसे बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। दी वाइफ डिज़ायर टू गो टू विजिट हर पेरेंट्स एंड द हस्बैंड ऑब्जेक्टेड टू हिज वाइफ गोइंग टू हर पेरेंट्स। इनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, इसलिए धीरजिया अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहती थी, लेकिन जग्गा ने उसे अलाउ नहीं किया। तो एक दिन धीरजिया रात में उठती है, वो अपने बेबी को लेती है और अपने पेरेंट्स के घर जाने के लिए आधी रात को निकल जाती है। लेट दैट नाइट जग्गा वोक अप एंड फाउंड हिज वाइफ एंड द बेबी मिसिंग। तो जब जग्गा उठता है तो वो देखता है कि धीरजिया भी नहीं है और बेबी भी नहीं है, दोनों ही मिसिंग हैं। ही वेंट आउट इन द परस्यूट ऑफ देम एंड व्हेन ही रीच द पॉइंट क्लोज टू रेलवे लाइन ही सॉ हर मेकिंग हर वे अलोंग द पाथ। तो वो धीरजिया और बेबी को ढूंढने घर से बाहर निकलता है और ढूंढते ढूंढते जब वो रेलवे लाइन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि धीरजिया रेलवे लाइन के साथ साथ चलती जा रही थी। तो वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो यहाँ पर जग्गा धीरजिया को आवाज़ें लगाता है। व्हेन शी हर्ड हिम कमिंग आफ्टर हर धीरजिया टर्न राउंड इन अ पैनिक रेन A little distance with the baby girl in her arms and then either jumped or fell into an open well which was at some little distance from the path. तो धीरजिया ने जब जग्गा की आवाज़ सुनी तो वो डर जाती है और वो जल्दी जल्दी भागने लगती है। तो थोड़ी ही डिस्टेंस पे वहाँ पर एक कुआँ था। तो यहाँ पे ये डिस्प्यूटेड फैक्ट ये है कि वो जानबूझकर जंप करती है या फिर गलती से गिर जाती है। द लिटिल चाइल्ड डाइड वाइल द वुमेन इवेंचुअली रेस्क्यूड एंड सफर्ड लिटिल और नो इंजरी। तो जो 6 महीने की बेबी थी वो डूबकर उसकी डेथ हो जाती है और धीरजिया को यहाँ बचा लिया जाता है। धीरजिया को चोटें ना के बराबर लगती है। शी हैज़ पुट फॉरवर्ड हर वर्जन ऑफ अफेयर ऑन द 3 separate occasions। तो यहाँ पर इस केस में धीरजिया 3 statements देती है, जिनमें से 2, पहला कन्फेशन जो उसने किया था और दूसरा मजिस्ट्रेट के सामने। तो उसने कहा, येस आई जम्प्ट इनटू द वेल, आई डिड नॉट नो दैट शी वुड डाई, आई जम्प्ट इनटू द वेल थ्रू फियर ऑफ माय हस्बैंड। तो मजिस्ट्रेट के सामने और उसने अपने कन्फेशन में ये माना था कि वो जानबूझकर कूदी थी क्योंकि वो डर गई थी। लेकिन जब कोर्ट ऑफ सेशन जज के सामने स्टेटमेंट की बारी आई तो धीरजिया यहाँ पर अपनी ही बात से पलट गई। शायद उसे किसी ने सलाह दी और वो सलाह मानकर उसने अपनी बात पलट दी और कहा, शी डिड नॉट जंप इनटू द वेल एट ऑल बट फेल इनटू इट बाय एक्सीडेंट। उसने कहा कि मैं कूदी नहीं थी वेल में, मैं गलती से गिर गई थी। तो यहाँ धीरजिया ने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। The appellant is a young woman of 20 who was tried for murder by session judge of Banaras. She was tried at the same time for attempted suicide by jury. तो यहाँ पर 2 trial चल रहे थे side by side धीरजिया पे। पहला session judge के सामने वो था murder के लिए और दूसरा jury के सामने attempt to suicide के लिए। तो होता क्या है कि सेशन जज धीरजिया को मर्डर के लिए कन्विक्ट करता है अंडर सेक्शन 302 ऑफ IPC, लेकिन जो ज्यूरी के पास अटेम्प्ट टू सुसाइड का ट्रायल चल रहा था उसमें वो उसको बरी कर देते हैं। ये अब लर्नेड जज कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करें। तो वो ज्यूरी की बात से एग्री भी नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने ये केस अलाहाबाद कोर्ट को रेफर कर दिया सेक्शन 307 ऑफ CRPC यूज़ करके विद द रिकमेंडेशन। ट्रायल कोर्ट ने साथ में एक रिकमेंडेशन दी दैट द ज्यूरीज वर्डिक्ट शुड बी सेट असाइड एंड दैट द एपेलेंट शुड बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 309 IPC एज वेल एज अंडर सेक्शन 302। तो यहाँ ट्रायल कोर्ट ने ये रिकमेंडेशन भेजा
अलाहाबाद कोर्ट को कि जूरी का जो वर्डिक्ट था जिसमें उन्होंने कहा कि धीरजिया गिल्टी नहीं अंडर सेक्शन 309, मतलब उसने अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं किया, तो ट्रायल कोर्ट चाहता था कि अलाहाबाद कोर्ट उसे 309 में भी कन्विक्ट करे और साथ ही साथ सेक्शन 302 में भी। तो अलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं। पहला, यहाँ हाई कोर्ट ने स्टेप्स बताए हैं। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ इंडियन पिनल कोड, मर्डर इज मेयरली अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एंड वन हैज टू लुक फर्स्ट टू सी इन एवरी मर्डर केस वेदर देर वॉज अ कल्पेबल होमिसाइड एट ऑल। पहला स्टेप हाईकोर्ट ने ये बताया कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कल्पेबल होमिसाइड हुआ है कि नहीं। अगर कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं हुआ तो वहाँ पर मर्डर की बात ही नहीं होगी। इफ कल्पेबल होमिसाइड इज प्रेजेंट देन द नेक्स्ट थिंग टू कंसिडर इज वेदर इट इज ऑफ दैट टाइप विच इज अंडर सेक्शन 300 इज डेजिग्नेटेड मर्डर। अगर कल्पेबल होमिसाइड प्रूफ हो जाता है तो हमें ये देखना होगा कि क्या ये सेक्शन 300 में कवर हो रहा है जिसे हम मर्डर बोलते हैं, या फिर वेदर इट फॉल्स विद इन द रेसिड्यू ऑफ केसेस विच आर कवर्ड बाय सेक्शन 304 एंड आर डेजिग्नेटेड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कि क्या वो एक्सेप्शंस में आ रहा है। अगर वो एक्सेप्शंस में कवर हो रहा है तो वो रिवर्ट बैक कर जाएगा, तो वो फिर से कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हाईकोर्ट ने यहाँ कहा, इंटेंशन और नॉलेज। इन दिस केस कोर्ट एक्सेप्टेड दैट धीरजिया हैड नीदर इंटेंशन टू कॉज डेथ नॉर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी बट शी वॉज अ सेन पर्सन। कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि कोर्ट ये मानता है कि धीरजिया का इंटेंशन बेबी की जान लेना नहीं था और ना ही उसे बॉडीली इंजरी पहुंचाना। उस टाइम पे वो बहुत पैनिक थी और वो डर गई थी, लेकिन क्या उसे नॉलेज भी नहीं थी। इस पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि हर सेन पर्सन के पास थोड़ी ही सही लेकिन नॉलेज होती है। ऑब्वियसली द डिग्री ऑफ नॉलेज विच एनी पर्टिकुलर पर्सन कैन बी अज्यूम टू पोजेस मस्ट वेरी। कोर्ट ने यहाँ ये भी माना कि हर इंसान के पास अलग लेवल होता है नॉलेज का कि किसको कितनी समझ है, लेकिन एक नॉर्मल सेन इंसान के पास इतनी नॉलेज तो होती है कि वो कुछ हद तक अपने एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस समझ सके। बट वी थिंक दैट टू सम एक्सटेंट नॉलेज मस्ट बी एट्रीब्यूटेड टू एवरीवन हु इज सेन, कि हर सेन इंसान के पास थोड़ी ही सही लेकिन नॉलेज होती है, और धीरजिया एक सेन पर्सन थी इसलिए उसके पास भी नॉलेज थी और उसे ये पता था कि उसके इस एक्ट की वजह से बच्ची की जान जा सकती है। भले ही उसका इंटेंशन बच्ची की जान लेना ना रहा हो, लेकिन उसे कुछ हद तक नॉलेज थी। When Mrs. Dheeraja jumped into the well, she did so in an effort to escape from her husband. जब धीरजिया कुएं में कूदी थी तो उसने ये इसलिए किया ताकि वो अपने हस्बैंड से बच सके। The taking of her own life was not for one woman present to her mind. खुद की जान लेना उसका इंटेंशन था ही नहीं और ना ही ऐसा कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। फॉर दैट रीजन वी थिंक मिसेज धीरजिया वॉज राइटली एक्विटेड अंडर सेक्शन 309 IPC। तो यहाँ अलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना था कि जूरी ने सही डिसीजन लिया कि वो 309 के अंदर कन्विक्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था सुसाइड करने का, और इसलिए अलाहाबाद कोर्ट ने भी यहाँ पर धीरजिया को एक्विट कर दिया। So far as the convictions are concerned, therefore, the result of this appeal is that the appellant's conviction under section 302 IPC is set aside and there is substituted for it a conviction under section 304 IPC और उसका sentence, उसका conviction 302 से change करके 304 में कर दिया। So far as the learned judge's reference to us is concerned, we are unable to accept it and the verdict of not guilty passed by jury must stand. और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ये कहा कि ट्रायल कोर्ट के सेशन जजेस का रेफरेंस
नहीं ले सकते हैं जो उन्होंने रेफर किया था। और जूरी ने जो फैसला दिया कि धीरजिया गिल्टी नहीं थी अटेम्प्ट टू सुसाइड के लिए, वो बिल्कुल सही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।